तो सॉर्टिंग में जैसे वो बोल रहे थे कि सॉर्टिंग हो या तो सेटो हो, सेट इन ऑर्डर और शाइनिंग हो, स्टैंडर्डाइज हो या तो सस्टेन हो, सभी में बेसलाइन जीरो आप तब दोगे, जीरो स्कोर तब दोगे जब आप देखोगे कि सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं लोग। तो सेफ्टी को हमें, बिकॉज इन द वर्क प्लेस सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि यू शुड बी एबल टू मूव अराउंड वेरी फ्रीली, यू शुड नॉट हैव दैट प्रॉब्लम दैट यू नो। एक बार मैं, मुझे याद है, मैं एक प्रेस शॉप में 5 ईयर्स के लिए विजिट कर रहा था और देख रहा था वो काफी बड़ा प्रेस मशीन है। मैं देख रहा था कि बॉटम डाई के उधर, जहां पर बॉटम डाई लोड किए हुए हैं, उधर प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, एंड टॉप डाई ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो सारे लोग सर को नीचे करके जा रहे हैं, नहीं तो उसके सर के साथ टॉप डाई जो है वो लग जाएगा। तो ऐसे हाल में हमें प्रोडक्शन नहीं करना है। काफी जगह है जहां पर मैं देखता हूं कि मानिए कि इलेक्ट्रिकल लाइन वो बहुत ही खतरनाक तरीका से लगा हुआ है ताकि किसी को शॉक लग सकता है। तो दोज काइंड ऑफ थिंग्स शुड बी अवॉइडेड। एनीवे, लेट मी कम बैक टू वन एस फॉर सॉर्टिंग। तो एक इम्पॉर्टेंट कि हम लोग वर्क एरिया में कोई भी अनसेफ आइटम नहीं रखने का है। तो अगर अनसेफ आइटम है तो आप उसको जीरो दोगे। तो हम लोग बाकी जो है सेट इन ऑर्डर वगैरह वो बाद में देखेंगे। और जो हाईएस्ट स्कोर जो है वहां पर एक सिस्टम आप बना बना दिया जहां पर रेड टैग कैंपेन का कोई सवाल ही नहीं आता है। दैट इज बेटर। या So yeah, so doctor sir, sorry, where you actually lost me, where I was? या एक्चुअली आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग देम दैट एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू अनसेफ दे विल बी गिविंग जीरो, एंड इन सिस्टमेटिक अरेंजमेंट फॉर वन इज दैट इट शुड बी मेड इन सच ए मैनर दैट देयर शुड नॉट बी एनी क्वेश्चन ऑफ एनी रेड टैग आइटम, सो इट विल बी इन द रेगुलर सिस्टम। सो आई डिड नॉट एक्सप्लेन देम अबाउट 2 3 4, 1 2 3 4, यू कैन गो अहेड। So, what point I was trying to make over here was कि कोई workplace है जहाँ पे he is falling under the third criteria, probably red tag create किया हुआ है, everything is there, और probably next step की कुछ चीजें ही नहीं है जो red tag में आ सकती है. लेकिन अगर उस area में कुछ unsafe item हमको मिला, तो auditor is going to give us 0 marks, even if everything is clear from the next audit points, right? So it's like a reverse scale. Even if you are able to get 5 marks, but if there is a problem in your safety, you are going to get 0 marks, right? So in a way, the 5S, as mentioned in the one of the slide, also take cares of the safety of the work, right? Safety of the workplace. Now, what are the other points in the set in order that we will see once it comes to 2S, right? So what I will do, I will basically try to quickly revise, and then we will go for the 10 minutes bio break. Okay. If you have a question, please send those question to Mr. Parag, and then we'll try to answer those once you come back. Right. So quickly I'll revise through this entire thing. What is the 5S? 5S are basically the 5 words that are basically being started with the letter S: Seri, Sito, Chiesu, Shiketsu, and Shitsuke. That is sort, set in order, shine, standardize, sustain. सबसे पहले हम जब सॉर्टिंग की बात करते हैं तो हम हमारे वर्कप्लेस से, वर्कप्लेस क्या होता है, जहाँ पे हम काम करते हैं, वहां से जो हमको नहीं लगने वाली चीजें हैं वो हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जब ये हम करने की कोशिश करते हैं, ये हमको हैफाजर्डसली नहीं करना है, हमको एक साइंटिफिक मेथड से करना है, जिससे सबसे पहले हम जोन स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। जोन स्ट्रक्चर फॉर्म करने के बाद हर एक जोन, सब जोन, एरिया, वर्क स्टेशन को एक लीडर असाइन करने वाले हैं। वो होने के बाद वी विल हैव अ एक्चुअल 1S किक ऑफ, जिसमें हम फिक्स कैमरा पॉइंट और सेरी रजिस्टर ओपन करने वाले हैं, हर एक चीज का लिस्ट बनाने वाले हैं और उसके सामने सेरी कैटेगरी लिखने वाले हैं, हर एक कैटेगरी के सामने उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्शन लिखने वाले हैं। जो चीज हमको नहीं लगने वाली है उसको हम रेड टैग लगा के रेड टैग एरिया में मूव करने वाले हैं। यहाँ पे हम एक ओपन रजिस्टर ओपन करेंगे जिसको हम रेड टैग रजिस्टर बोलेंगे। वहां से वो हम देखेंगे कि हमें नहीं लगने वाली चीजें किसी और को लगने वाली हो तो हम शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे भी अगर हमको आइडेंटिफाई होता है कि नहीं लगने वाली है, देन इट विल मूव आउट ऑफ द कंपनी वाया स्क्रैप यार्ड रजिस्टर। वी आर ऑल्सो गोइंग टू मेक सम
लिस्ट ऑफ अनसेफ पॉइंट्स एंड एक्शन आइटम्स रिलेटेड टू दैट कि ये हम अनसेफ को सेफ में कैसे कन्वर्ट करें एंड देन फाइनली वी हैव सीन हाउ टू डू वन एस ऑडिट.